हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के तीसरे और मंडी से वो पहले मुख्यमंत्री हैं। सो उम्मीदें हैं कि जयराम ठाकुर जी, क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, संबंध रखते हैं, सो वो सारे प्रदेश का समान विकास करेंगे और जितनी भी आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या प्रदेश के लोगों को है भारतीय जनता पार्टी से, वो उन सारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे। 2017 में अगर आप कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, पॉजिटिव, बहुत ही बोल्ड डिसीजंस। लीडर वही होता है जो बोल्ड डिसीजन ले सके, एंड कंट्री के लिए जो मोदी जी ने डिसीजंस लिए हैं, आई एम श्योर विद लॉन्ग रन दे विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड आई विश एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर 2018। एंड आई एम श्योर जहाँ पब्लिक को थोड़ा बहुत लगता है कि ये डिसीजंस इनिशियली शॉर्ट रन के लिए छोटी ड्यूरेशन में थोड़ा सा कष्टदायी हो सकते हैं, बट देन लंबे समय के बाद जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो सारी पब्लिक जो है बहुत सपोर्ट करेगी और वील हैव अ वेरी गुड ग्रोथ इन द कंट्री। 2017 अगर मैं ऐसे किसी अपने दूसरे प्रभाव से बोलूँ कि कैसा रहा, तो वो तो बहुत अच्छा रहा। चाहे पॉलिटिकल इससे देखें तो अगर जो पिछले लास्ट जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो कांग्रेस के सरकार में 5 सालों में जो लोगों को रोज़गार, युवाओं का और महंगाई और हर चीज़ के ऊपर जो लगाम लगाया, जिसकी वजह से आम जन को कोई फर्क नहीं पड़ा और एक मतलब हर बंदे में हर्ष महसूस हुआ कि रोज़गार मिल रहा है, लोगों को हर तरह की सुविधा मिल रही है, तो मतलब एक अच्छा साल रहा और मतलब सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत अविश्वसनीय साल रहा है, जिसकी वजह से कि हर वर्ग का जो ध्यान रखा गया है। 2017 मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहा है मोदी जी की नीतियों के कारण। जो GST आया है उससे भी बहुत अच्छा, इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है सिस्टम में, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसमें गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी ठीक ही रहा था। और 2017 जैसे अभी 2018 में हम एंटर कर रहे हैं तो चेंज आया है प्रदेश में, अच्छे के लिए चेंज है और बेटरमेंट के लिए चेंज है। और आने वाले टाइम में हम नई सरकार जो हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है उसके जो काम होंगे उनको भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अपेक्षा करते हैं कि वो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। 2017 हमारे लिए बहुत अच्छा वर्ष रहा और इस वर्ष में ये चुनावी वर्ष भी रहा, इसमें कुछ खट्टी मीठी यादें भी रहीं, कुछ बड़े दिग्गज नेता जिनके ऊपर पूरे प्रदेश को बड़ी उम्मीदें थी वो चुनाव हार गए दोनों पार्टियों की तरफ से, तो मतलब खट्टी मीठी यादें रहीं इस वर्ष में जो बड़े लंबे समय तक याद रहेंगी। इसमें तो एक तो इलेक्शन जो हुए गुजरात के और हिमाचल के, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कांग्रेस हार तो जरूर गई है लेकिन हार करके भी जीती है, क्योंकि यह हमीरपुर का ज़िला जो था वो तो BJP का ज़िला था, यहाँ पर भी जो है कांग्रेस जो 3 सीटें जीत गई। आपके लाइफ का क्या एक्सपीरियंस रहा 2017 का पूरा साल में? मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। बीइंग ए डॉक्टर, तो 2017 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और हमने हिमाचल प्रदेश में मेडिपर्सन एक्ट को डॉक्टरों और मरीजों की सुविधा के लिए लागू कराया और इसके अलावा और बड़ी सारी खट्टी मिट्टी यादें हैं जो 2017 की हैं। इसमें जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई, उस वक्त हमें क्या क्या तकलीफ़ें हुई, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उसके अलावा अब क्या कह सकते हैं, बाकी तो सब ठीक ही रहा और हर साल ऐसा ही होता है, कुछ खट्टा दे के जाता है कुछ मीठा दे के जाता है। वर्ष 2017 में ज़िला हमीरपुर में कर्मचारियों के लिए सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, जिसकी वजह से कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं रही, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष 2018 हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों के लिए, विशेष तौर पर कर्मचारियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नई सरकार आने वाली है, नई सरकार का गठन कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि नई सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए, विशेष तौर पर कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छे कार्य करेगी जिससे कर्मचारियों का कल्याण होगा।